जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, सोनिया गांधी से ईडी की आज फिर पूछताछ। जी हाँ, एक बार फिर पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी से पूछताछ का दौर जारी है। कल भी 6 घंटे पूछताछ यहाँ पर हुई थी और आज भी ये पूछताछ का जो दौर है वो जारी रहने वाला है। बस कुछ ही देर बाद ये पूछताछ का दौर शुरू होगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ। और देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। कांग्रेस मुख्यालय पर भी ज्यादा भीड़ जो है वो जुटने नहीं दी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता प्रवक्ता वहां पहुंच रहे हैं उनका ये कहना है कि उन्हें दूर ही रोका जा रहा है। और फिलहाल ये इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और तस्वीरें ये कल की भी आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद गाड़ी में रही थी और साथ ही साथ तस्वीरें आपको हम दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि आज पूछताछ जो है एक बार फिर से शुरू होगी। जाहिर तौर पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से पूछताछ यहां पर की जा रही है और आज एक बार फिर से जो पूछताछ है वो यहां पर आज होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुरक्षा जो है वो यहां पर व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी आपको बता दें जो सुरक्षा का पहरा है वो काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तो पहली बार आपको बता दें 21 जुलाई को ईडी दफ्तर पहुंची थी, उनसे 3 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद 5 दिन का ब्रेक मिला, उन्हें 26 जुलाई को बुलाया गया और 6 घंटे तक सवाल हुए। अब तक सोनिया गांधी से 75 सवाल किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मंगलवार को जब ईडी ने उनसे कंपनी के लेन देन के बारे में सवाल जवाब किया तो सोनिया गांधी ने जवाब दिया कि कांग्रेस एसोसिएट जर्नल और यंग इंडिया से जुड़े सभी लेन देन पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा देखा करते थे। स्पर्श शर्मा ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अब स्पर्श, फिलहाल कैसी हलचल वहां पर है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद जो है सोनिया गांधी जो है वो ईडी के सामने पेश होंगी। राइट। हाँ देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी अब से कुछ ही देर बाद ईडी के सामने जो है पेश होती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस के जो सांसद है फिलहाल पार्लियामेंट में गांधी स्टैच्यू के सामने जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि पार्लियामेंट के बाहर भी ये तमाम सांसद जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी और उसके बाद जो सरकार को घेरने का कोशिश है वो जो है कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो है की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन करने के जो कार्यक्रम है वो फिलहाल यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में पुलिस किस तरीके से अब इन तमाम सांसदों को डिटेन करती हुई नजर आएगी या फिर किस तरीके से इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो संसद भवन में फिलहाल जो तमाम कांग्रेसी सांसद है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ, पहली पूछताछ 21 जुलाई, उसके बाद 5 दिन का गैप दिया गया, फिर 26 जुलाई, 6 घंटे की पूछताछ और अब आज ये पूछताछ जो एक बार फिर यहाँ पर होने जा रही है। सवाल अब यहाँ पर ये है कि ईडी द्वारा एक लंबी पूछताछ जो है चली आ रही है, लेकिन अभी भी जो स्पष्ट तौर पर ऐसा लग रहा है कि ईडी द्वारा पूछे गए सवाल और जो जवाब दिए जा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है ईडी। देखिए, बिल्कुल ईडी द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो लंबी फहरिस्त है और इसलिए चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत भी जो है नासाज जो है नहीं रहती है, उनकी तबीयत जो है लगातार खराब रहती है, इसलिए ईडी ज्यादा देर उनसे क्वेश्चनिंग जो है नहीं कर रही। हमने देखा था कि राहुल गांधी के साथ किस तरीके से देर रात तक जो पूछताछ है वो चलती हुई जो है नजर आती थी, कई घंटों की पूछताछ जो है चलती हुई नजर आती थी। लगभग 55 के आसपास सवाल जो है वो ईडी ने जो है सोनिया गांधी से कर लिए और लगभग अगर हम बात करें तो कुछ इसी तरीके के सवाल जवाब और जो है बाकी है और सोनिया गांधी से वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एक बार जब राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और सारे दस्तावेज जब ईडी के पास ही जो है जो मौजूद है इस पूरे मामले को लेकर, तो फिर क्यों जो सोनिया गांधी जो कि बीमार है उनको जो है इस तरीके से ईडी जो है परेशान करती हुई नजर आ रही है। बने रही स्पर्श आप हमारे साथ। तो फिलहाल ताजा अपडेट यहाँ पर हमारे संवाददाता दे रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होगी और आज एक बार फिर से जो ईडी द्वारा सवाल जवाब है वो यहाँ पर सोनिया गांधी से किए जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। फिलहाल क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, इज्वेल की देनदारी चुकाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया। तो यंग इंडिया को
के 9 करोड़ शेयर दिए गए। यंग इंडिया में सोनिया राहुल की 38% हिस्सेदारी थी। नई कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया। एजुएल पर 90 करोड़ का कर्ज था, जिसे खत्म करने के लिए नई कंपनी बनी। एजुएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला करती थी। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि एजुएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पी गई। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि 90 करोड़ पार्टी फंड से दिए गए। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनाई। तो क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसको लेकर लगातार अब जो शिकंजा ईडी का वो यहां पर बढ़ता जा रहा है, वो आपने जाना यहां पर ग्राफिक्स के जरिए। और फिलहाल आपको बता दें कि अब क्योंकि कुछ ही देर बाद ये पूछताछ जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये पूछताछ रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय में सभी बड़े नेताओं की मीटिंग जो है वो बुलाई हुई है। संसद भवन में भी मीटिंग बुलाई गई है। और कांग्रेस सांसद आपको बता दें लगातार जो है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक जो है वो हंगामा किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं कई कांग्रेस बड़े नेताओं के,